क्या देख रहे हैं शनिदेव? बहू, विष्णु के चक्र सुदर्शन ने तुम्हारे नेत्र को क्षति तो नहीं पहुंचाई? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ शनिदेव, आप अपने घोर शत्रु, अपने पिता ग्रहपति सूर्य देव को भावना के प्रवाह में बहकर निहार रहे हैं। नहीं राहु, नहीं, सूर्य देव तो संयोग से मेरे पिता हैं, किंतु मेरे मन में इनके प्रति केवल एक ही भावना है, शत्रुता और प्रतिशोध की भावना। यदि शत्रुता और प्रतिशोध की भावना होती तो इस प्रकार चुपचाप देखते नहीं, टूट पड़ते अपने शत्रु पर। अब मैं यही करूंगा। अपमानित और प्रताड़ित होने पर भी तुम अपनी अशुभ काली छाया मुझ पर डालने चले आए। सूर्यदेव सावधान, यदि और कुछ कहा तो परिणाम भयानक होगा। राहु जैसे कुटिल और प्रवंचक मित्रों ने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। आज मैं अपनी भयानक कुदृष्टि से तुम्हारे तेज को सदा सदा के लिए खंडित कर दूंगा, यदि तुमने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया। पुत्र कहते हुए मुझे ग्लानि होती है शनि, तुम पुत्र कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो। और तुम्हें पिता कहते हुए मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है। बताओ सूर्यदेव कि मेरी प्रिय माता छाया को तुमने कहाँ छुपा रखा है? तुम्हारी माता छाया अब इस संसार में नहीं है, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ये तो तुमने पहले भी कई बार कहा है, किंतु आज मैं इसका क्या करके रहूंगा सूर्यदेव, कि तुमने मेरे प्रिय माता छाया का वध क्यों किया? मुझे मातृहीन क्यों बनाया? क्यों? मैंने पहले भी तुमसे कई बार कहा है कि तुम मातृहीन नहीं हो, देवी संज्ञा में ही तुम्हारी माता छाया का अंत समाया हुआ है। इसी कारण तुम ये वैर भाव त्याग कर हमें पिता तथा देवी संज्ञा को अपनी माता का सम्मान प्रदान करना उचित है। तुम सम्मान के योग्य नहीं, तुम मेरी कुदृष्टि के योग्य हो सूर्य। मैं आज तुम्हारे तेज और वैभव को खंडित कर दूंगा। असत्यवादी आदमी के हत्यारे। सत्य सदैव विष के समान कड़वा होता है सूर्य। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। छाया की हत्या नहीं हुई है, नहीं हुई है। वे कहाँ हैं? उनका अंश संज्ञा में समा गया है। यह सत्य है, सत्य है। तुम अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे हो, कर रहे हो। तुम पत्नी के हत्यारे हो। चले पत्नी खाती सूर्य को आज ना छोड़ो शनि, शनि मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहु राहु, अपनी सीमाओं में रहो, अन्यथा मैं अपने तेज से तुम दोनों को भस्म कर दूंगा, कर दूंगा। मैं बार बार तुम्हारा ग्रहण करता हूँ और तुम निस्तेज होकर रह जाते हो। यदि तुम में शक्ति होती तो मुझे पहले ही भस्म कर देते। शनिदेव, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। हम दोनों अपनी शक्ति और कुदृष्टि से आज सूर्य को नष्ट कर विष्णु के संसार में अंधकार ला देंगे। अवश्य राहु,
इस दुष्ट प्रवंचक को दंड मिलना उचित ही होगा। शने शने